सॉरी फ्रेंड, मुझे आने में थोड़ी देर होगी। नो प्रॉब्लम। ओके चलो चलो। दोस्त आपको खीर बहुत पसंद है ना? किसने कहा तुमसे? मेरे डैडी ने। ये बच्चा हीरा ठाकुर का बेटा है, बड़े ठाकुर यहाँ रोज आकर इस बच्चे से मिलते हैं। तुम्हारे डैडी ने और क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप भगवान के समान हैं, आपको देखते ही हाथ जोड़कर नमस्ते करने को कहा। खीर खाइए ना दोस्त। अरे भैया मैंने अभी अभी नाश्ता किया, ऐसा करते मैं इसे घर ले जाता हूँ, वहाँ खाऊंगा। ओके चलो। कल जरूर आना। हाँ बाय बाय। दादाजी न जाने क्यों मेरे मन ने आपको दादाजी कहने को कहा, मैंने कह दिया। आज के बाद तुम मुझे सिर्फ दादाजी कहकर बुलाना। हाँ। जाओ। मालिक शायद सड़क पर कोई बेहोश पड़ा है। ड्राइवर गाड़ी। ड्राइवर चाबी दो। अरे नहीं नहीं, चाबी से कुछ नहीं होने वाला, आप लकड़ी का टुकड़ा लाइए। जी पांव पकड़ो इसका, पांव पकड़ो। मालिक बस आइए। हाँ उठा समझ के। इस समय भगवान की तरह आकर आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बस ठीक है संभाल के जाइएगा, ये लो अपना सामान। क्या हुआ मालिक? कुछ नहीं, चलो ड्राइवर। कहां से लाए हैं ये खीर? हमारे एक दोस्त ने दिया है। किस दोस्त ने? तुम नहीं जानती उसे, बचपन का दोस्त है हमारा। बचपन का दोस्त है या कोई बच्चा दोस्त है? मुझे पता है आप अपने पोते से मिलते हैं। हाँ मिलते हैं, मिलकर आए हैं। क्यों? जिसे आपने अपने जर और जिंदगी से बेदखल कर दिया उसके लिए इतनी बेचैनी क्यों? इसलिए कि वो आपके बेटे हीरा का बेटा है, या इसलिए कि आपके दूसरे बेटों का कोई बेटा नहीं है, या फिर इसलिए कि इस सूर्यवंश की वो वंश बेल है, वारिस है? क्यों क्यों आप अपने किए पे कायम नहीं रह सके? हम अकेले गलत नहीं हैं शारदा, गलती और सजा इन दो शब्दों के लिए दो शख्स जिम्मेदार होते हैं। या तो बेटा उसके जैसा नहीं होता, या फिर बाप हमारी जैसा नहीं होता। बेटा उसके जैसा ही होता है। इस युग में औलाद को माँ बाप नहीं निकालते, औलाद माँ बाप को निकाल फेंकती है। जिस हीरा को आपने नाकारा निकम्मा समझ कर फेंक दिया, वो आज इतना बड़ा हो गया है कि लोग उसे देखकर ये नहीं कहते कि देखो वो ठाकुर भानु प्रताप का बेटा जा रहा है, बल्कि आपको देखकर ये कहते हैं कि हीरा के पिता ठाकुर भानु प्रताप जा रहे हैं। इससे बढ़कर गौरव एक बाप के लिए और क्या होगा? आपके दूसरे बेटे आपकी जायदाद को अपना समझते हैं,
हीरा आपको अपनी जायदाद समझता है। आप इस हवेली की उन कमरों में नहीं जाते जिनके दरवाजे छोटे हैं, क्योंकि आपको सर झुकाकर चलना अच्छा नहीं लगता। फिर एक छोटे से बच्चे की मौत के द्वार पर आप कैसे झुक गए? अब झुके हैं तो बेटे और पोते को गोद में उठा लीजिए। आपकी तरह मेरी भी छाती होकती है। 6 साल की उम्र तक हीरा को जिस कलेजे ने ठंडक दी है, वो कलेजा 6 साल से ठंडक के लिए तड़प रहा है। बेटा भगवान पर भरोसा रख। अरे तुम्हारे पिताजी जैसे महान आत्मा की जान लेने से पहले भगवान भी 10 बार सोचेगा। हाँ लेकिन बेटे ये सब हुआ कैसे? हीरा ने जहर दे दिया। क्या हीरा ने जहर दे दिया? अरे वो देवता की तरह पूछता था अपने बाप को। ठाकुर साहब क्या आप नहीं जानते, बड़े ठाकुर ने हीरा को घर से निकाल दिया था। बाप बेटे एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। हाँ बकवास करता है तू मर्जनिया। अगर हीरा अपने बाप का दुश्मन होता तो अपना सारा कारोबार उसके नाम पे क्यों शुरू करता? ये अस्पताल उसके नाम पे क्यों बनवाता? ठाकुर साहब बाप की दौलत के लिए आज की औलाद कुछ भी कर सकती है। हाँ। मुझे एक बार बाबूजी को देख लेने दो। भाभी जान लेकर आंसू बहाने का ढोंग मत करो। भाभी आप बचपन से लेकर आज तक मैंने उनकी लंबी उम्र की सिर्फ प्रार्थना की है। मैं और बचपन से तुम उनकी जान लेने की इच्छा पाल रहे थे। नहीं भाभी, जिसके सामने मैंने सर उठाने की हिम्मत नहीं की उसकी जान लेने की हिम्मत करूंगा। इसीलिए तुमने उन्हें धोखे से मारा। ये क्या कह रहे हो बरन, तुम्हें अपने भाई पर भरोसा नहीं? ठहरो मैं सच्चाई का भी पता लगवाता हूँ। बच्चे को इधर लाओ जरा। कितना प्यारा बच्चा है, बिल्कुल अपने डैडी पर गया। अच्छा बेटा ये बताओ दादाजी को खीर किसने दिया था? मैंने दिया था। अच्छा ये बताओ बेटा दादाजी को खीर देने के लिए किसने बोला था? डैडी ने। सुना भाइयों, जहां तक मेरी जानकारी है बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। और ये बच्चा साफ साफ कह रहा है
कि वो जहरीली खीर इस हीरा ने दी थी। मार डालो इसे। हमारे बेटों को हाथ लगाएगी तो हम उसका गला खोलते। जहर तुमने मिलाया था, हमने अपनी गाड़ी में तुम्हारे केवड़े की महक महसूस की थी, लेकिन हम किसी और ख्याल में थे, नजरअंदाज कर गए। आज का तुम्हारा हमारा ये केस किसी पंचायत में नहीं जाएगा, यही बहस होगी, यही पर फैसला होगा और सजा भी यही पर दी जाएगी। हीरा बेटे, हीरा बेटे। वंश एक आंख है, इसमें दोस्तों के लिए जितनी ज्योति है दुश्मनों के लिए उतनी ही ज्वाला। बोल दे लो इस कंबख्त को। सूर्य वंश, सूर्य Oh!
कीजिए ठाकुर साहब, इस मर्चरी को माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, माफ कर दीजिए।